दोस्तों, इस वीडियो में हम जो केस डिस्कस करेंगे उसका नाम है रंगास्वामी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। 1962 का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक लैंडमार्क केस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस केस में मद्रास राजभवन के एम्प्लॉयज, जिनमें हाउसहोल्ड स्टाफ, पियंस, शॉफर्स, टेलर्स, कारपेंटर्स, मिस्त्री, गार्डनर्स, स्वीपर्स, ये सब लोग होते हैं, ये सभी मिलकर एक वर्कर यूनियन बनाते हैं और इस यूनियन का ये नाम रखते हैं मद्रास राजभवन वर्कर्स यूनियन। लेकिन जब ये अपनी इस यूनियन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो रजिस्ट्रार उनकी यूनियन को रजिस्टर करने से मना कर देता है, इस ग्राउंड पर कि आप सब वर्कमैन नहीं हो और ना ही आप किसी इंडस्ट्री, ट्रेड या बिजनेस या किसी भी कमर्शियल अंडरटेकिंग में काम नहीं कर रहे हो। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी यूनियन को ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसके यूनियन के जितने मेंबर्स हैं उनका वर्कमैन होना बहुत ज़रूरी है और उनका एक इंडस्ट्री में एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। इस केस में रजिस्ट्रार इस ग्राउंड पर उनकी रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देता है कि वो वर्कमैन नहीं है और ना ही वो किसी इंडस्ट्री में एंगेज्ड हैं। तो पिटिशनर्स जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं मद्रास राजभवन के, वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट जाकर ये कंटेंशन रखते हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट का सेक्शन 2G, जिसमें वर्कमैन को डिफाइन किया गया है एज ऑल द पर्सन एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इंडस्ट्री, कि जो भी पर्सन किसी ट्रेड या इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होगा वो वर्कमैन कहलाया जाएगा। और पिटिशनर जो यहाँ पर दूसरी कंटेंशन रखते हैं वो ये कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इंडस्ट्री को जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह से कि एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, एनी कॉलिंग, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, ये सभी इंडस्ट्री कहलाई जाएंगी। तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं मद्रास राजभवन के, ये हाउस होल्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरह से पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमें भी वर्कमैन कंसीडर किया जाए और हम जहाँ पर एम्प्लॉय कर रहे हैं उसको इंडस्ट्री कंसीडर किया जाए और हमारी रजिस्ट्रेशन, हमारे ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन की जाए अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो यहाँ पर कोर्ट को दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि राजभवन के ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्कमैन है या नहीं और जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वो एक इंडस्ट्री है या नहीं। ये फाइंड आउट करने के लिए कोर्ट ऑब्जर्व करता है इन दोनों सेक्शंस को, सेक्शन 2G ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट, जिसमें वर्कमैन को डिफाइन किया गया है कि कोई भी पर्सन जो किसी ट्रेड या इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है वो वर्कमैन कहलाया जाएगा, और दूसरी इंडस्ट्री की जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दी गई है कि एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर, एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, इस डेफिनेशन में एक वाइडर स्कोप दिया हुआ है जिसमें नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कवर हो रही हैं। तो पिटिशनर यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की इंडस्ट्री की डेफिनेशन का, वाइडर स्कोप का फ़ायदा उठाकर अपने वर्कप्लेस को इंडस्ट्री प्रूफ कर रहा है और अपने वर्कप्लेस को इंडस्ट्री प्रूफ करने के बाद वो सीधा ट्रेड यूनियन एक्ट की डेफिनेशन में जाता है वर्कमैन की, जिसमें ये कहा गया है कि कोई पर्सन इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वो वर्कमैन होगा। तो इस तरह से वो खुद को वर्कमैन साबित कर रहा है और अपने वर्कप्लेस को इंडस्ट्री साबित कर रहा है। तो पिटिशनर यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का यूज़ करके ट्रेड यूनियन एक्ट के प्रोविजंस को इंटरप्रेट कर रहा है। कोर्ट उनके इस तरह की इंटरप्रिटेशन को गलत बताती है और कोर्ट यहाँ पर इंडस्ट्री के फीचर्स को ऑब्जर्व करते हुए कहती है कि इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का एंगेज होना ज़रूरी है और साथ ही साथ उनमें आपस में कोऑपरेशन होनी बहुत ज़रूरी है एक किसी डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन इस प्रेजेंट केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला, ये दोनों ही फीचर्स इस केस में नहीं देखने को मिले, क्योंकि राजभवन के जो सर्वेंट्स हैं वो सिर्फ पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो डे टू डे के काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, गार्डनिंग के काम कर रहे हैं, जिसमें एक एम्प्लॉयर का उनके साथ कोऑपरेट करके किसी डिज़ायर्ड गोल को अचीव करना, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हम उस राजभवन को इंडस्ट्री नहीं कह सकते। तो कोर्ट यहाँ पर पिटिशनर को ना ही वर्कमैन मानता है और ना ही राजभवन को इंडस्ट्री मानता है,
क्योंकि राजभवन के जो सर्वेंट्स हैं वो एक पर्सनल नेचर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसे हम इंडस्ट्री नहीं कह सकते। और राजभवन के ये एम्प्लॉयज़ जो हैं इंडस्ट्रियल एक्ट के प्रोविज़न को यूज़ कर रहे हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के प्रोविज़न्स को इंटरप्रेट करने के लिए, जो कि गलत है। तो कोर्ट यहाँ पर रजिस्ट्रार के डिसीज़न से एग्री करते हुए ये कहती है कि राजभवन के सर्वेंट्स की यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता।